हेलीकॉप्टर से यहाँ पखांजूर पहुँचे हैं, समर्थन किए हैं। आप लोगों की मुख्य मांगे क्या है और क्या जानकारी? नहीं, हमारी एक सूत्रीय मांग है और हम ऐसे सामाजिक मुद्दों को लेकर काम करते आ रहे हैं अंतागढ़ के सभी क्षेत्रों में। और आज पललकोट में आना हुआ स्वास्थ्य के मुद्दों को लेकर, जहाँ पे खून की कमी, ब्लड बैंक की कमी के चलते जो यहाँ पे उपलब्ध शासन प्रशासन ने अब तक नहीं करा शासकीय स्तर पे, तो उस मुद्दे को एक सूत्री मांग को लेकर के हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। और आगे का जो रूपरेखा क्रियाकलाप बनेगा वो भूख हड़ताल की है। और यहाँ पे सब युवाओं ने, अगर पललकोट वासियों ने एक बैनर के नीचे ये कार्य चालू किया है तो हम अपना काम लेंगे, तभी हम अपना काम खत्म करेंगे। तब तक पखांजूर के मुख्य सड़क पे आप लोगों ने रैली किया है, क्या जानकारी? आज पखांजूर में पललकोट जो कि कोलीबेड़ा विकासखंड के अंतर्गत आता है, यहाँ की जनसंख्या कम से कम 4.5-5 लाख होगी, जिसके चलते हम यहाँ पे जायज जो मांग है स्वास्थ्य को लेके, सरकारी ब्लड बैंक की मांग को लेके हम लोग यहाँ पे एक रैली निकाले। उसके बाद अनुविभागीय अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम में ज्ञापन लिखा। और रही बात सरकारी ब्लड बैंक अगर यहाँ नहीं बनती है तो हम लोग 15 दिन बाद आज ज्ञापन दिए, उसके बाद अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बैठेंगे।